करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही करंट होता है या कुछ और? आयन के फ्लो से करंट नहीं होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो एक एक करके एक एक डेफिनेशन से ही सब कुछ समझ आएगा। देखो, सो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आप लोगों ने बताया। ये आपने बताया, तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ब खुद आ गया कि फिर चार्ज क्या है। चार्ज क्या है बताओ? बोलो। बताओ बेटा, डरने की जरूरत नहीं, जो मन में आए बोलो ना। चार्ज किसको कहते हैं बताओ? नहीं, चलो चार्ज को छोड़ते हैं। मास किसको कहते हैं ये बताओ? आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। बोलो सर। टोटल मास ऑफ द बॉडी। मास इज टोटल मास ऑफ द बॉडी, क्या मतलब हुआ इस बात का? अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को तो मोल कहते हैं। अमाउंट ऑफ सर, मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ एनी सब्सटेंस। सर मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, मतलब सेम है। नहीं नहीं, मास है क्या? सेम है, डिफरेंट है, वो तो बाद में देखेंगे। मुझे बताओ मास है क्या? बॉडी। एकदम फंडामेंटल चीज पूछ रहा हूँ, मास क्या है, चार्ज क्या है, ये सब। सर जो एक सब्सटेंस के अंदर भरा हुआ होता है उसको मास कहते हैं। क्या भरा हुआ होता है? मतलब उसका जितना amount of matter present in the object. Amount of matter the... ठीक है, देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये बता दो मुझे कि ठीक है चलो, मतलब तुम लोग सब लोग बोल रहे हो, किसी बच्ची ने कहा कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उससे पहले? चलो छोड़ो, ये सब सारी कहानी बंद करते हैं। चलो
मैं बताता हूँ, मास का कॉन्सेप्ट या चार्ज का कॉन्सेप्ट या मोमेंटम का कॉन्सेप्ट या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इस तरह के किसी भी क्वांटिटी, इस तरह के किसी भी क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हमें मान लो मैकेनिकल इंटरेक्शन देखना है। मैकेनिकल इंटरेक्शन का मतलब है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, मूव कर रहा है, कुछ भी है, तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, कुछ भी इस तरह का। तो किसी भी मैकेनिकल इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज को अगर मुझे देखना है तो उसके लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है, जो किसी बच्ची ने कहा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो मास है। अगर तो ठीक वैसे ही किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन स्टडी करना है, तब जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल ली गई है वही आपका करंट और चार्ज है। जैसे और थोड़ा प्रिसाइज आए तो दुनिया में कुछ भी है, मतलब लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी हो, सब एटम से मिलके बना है, ये तो मालूम है। एटम में फंडामेंटली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, मालूम है। तो कोई भी एटम या कोई भी सब्सटेंस इक्वली न्यूट्रल रहते, आई मीन नेचुरली न्यूट्रल रहता है। रीजन ये है कि जितने पॉजिटिव चार्ज कैरियर हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, उसका वैल्यू, और जितने नेगेटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है उसका वैल्यू बराबर होता है। सो थिंग्स में अपीयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट एनीथिंग इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इट मीन्स टू थिंग्स, वन दे डोंट हैव चार्ज, और they both have same amount of positive or negative charge, in that case also it's electrically neutral. So anything in the world, whether it is living or non-living thing, they are supposed to be made up of fundamental particles called atom, which again more precisely supposed to be made up of electron, proton and neutron. Among these three, proton and electron carries some fundamental properties which is other than neutron. Mass तो तीनों में होता है, but mass के अलावा भी एक fundamental property दिखाई दी, तो उस property का नाम charge कहते हैं। उसमें से nucleus के अंदर क्या है कि proton रहता है और electron बाहर चक्कर लगाता है, तो proton का interaction या proton किसी भी atom से बाहर तभी जा सकता है जब nucleus टूटेगा, है ना? Yes, तो बिना किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के आप पॉजिटिव चार्ज को मूव करा ही नहीं सकते। इट इज द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस मे कम एंड गो फ्रॉम एन एटम, सो इट इज द इलेक्ट्रॉन विच मे कीप ऑन मूविंग। इलेक्ट्रिकली एनी ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि अगर किसी एटम में से या किसी सब्सटेंस में से कुछ इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक बात ध्यान से समझो, पॉजिटिव चार्ज का ये मतलब नहीं होता है कि इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। एंड नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे समझते हैं हम कि नेचुरली इलेक्ट्रॉन है वही मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक, तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों चार्ज की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है ना। मतलब किसी एक सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो जा सकता है, दस जा सकता है, पचास जा सकता है, बट 2.5 तो नहीं जा सकता। नहीं सर।
है ना? No. उसी तरह एक सिस्टम में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दो इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दस इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बट 2.5 तो नहीं आ सकता. नहीं. मीन्स दुनिया में जितने भी चार्ज एग्जिस्ट करते होंगे, सारे चार्ज प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. Yes. वापस बोलना. वापस देखो, इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से ही चार्ज अपीयर होता है. अगर बाहर कहीं से इलेक्ट्रॉन किसी एक सिस्टम में आया तो हम कहते हैं कि वो सिस्टम नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया, हाँ या ना? हाँ सर. तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो कैसे आएगा? एक इलेक्ट्रॉन आएगा या दो इलेक्ट्रॉन आएगा या तीन इलेक्ट्रॉन आएगा, इंटीग्रल नंबर्स में ही आएंगे. 2.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ सकता ना? नहीं सर. मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो उस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर, यही हो सकता है. यस सर. सिमिलरली इफ अ सिस्टम इज लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, अगर सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक जाएगा, दो जाएगा, दस जाएगा, पचास जाएगा, बट 2.5 तो नहीं जाएगा. इसका मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज भी अगर होगा तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और उसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हो सकता है. हाँ सर. है ना? तो वही मैंने लिखा है इस बात को कि क्यूब इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रल एन, हमारा यहाँ पर इंटीजर है, और जो ई है ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है. कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब. ये यूनिट यूनिट में नहीं बताता, ये सब तुम लोग बुक में पढ़ चुके होगे. ठीक है? तो ये होता है आपका, यानी कि कोई भी चार्ज अगर एग्जिस्ट करेगा, बुक में क्या होता है लिखा रहता है कि दिस बॉडी कंटेन 5 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 30 कूलम्ब ऑफ चार्ज, बट ऐसा कोई अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल ही नहीं है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को डिवाइड करो तो इंटीजर नहीं आए. है ना? है ना? हाँ सर. यस सर. सो प्रैक्टिकली any charge which exists in nature must be an integral multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. नाम जानना जरूरी नहीं है बट ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर. नो सर. चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो. पहले चार्ज समझ लेते हैं फिर धीरे धीरे करंट पर आएंगे.
साथ ही साथ वो जो मैं कह रहा था कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब नहीं होता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये मार्कर इस पेन पर 10 कूलम का चार्ज है, इट डजंट मीन कि इसके पास 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यह है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, बट नेगेटिव चार्ज 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज से कम है ना। तो कोई एक बॉडी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसमें दूसरा टाइप ऑफ चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? Yes, sir. आगे बढ़ो। यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। अच्छा, अब समझो कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। चलो एक मतलब ऐसे ही लॉजिकली पूछ रहा हूं, मान लो ये मार्कर है, ये पेन है मेरा जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है अभी, ठीक है। Yes. अगर इसका चार्ज इस पर 10 कूलम्ब का चार्ज आ गया, प्लस 10 कूलम्ब का, तो इसका मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कुछ नहीं? रिमेन सेम। बोलो। सेम ही रहेगा सर। सेम रहेगा, गलत हो गया। फिर कॉमन सेंस, मैंने आपको बताया कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के आने से या इलेक्ट्रॉन के जाने से होता है। यस सर। और इलेक्ट्रॉन में मास है कम ही सही, कुछ मास तो है ना। हाँ। तो अगर इस पर चार्ज प्लस 10 कूलम्ब है, मतलब प्लस 10 कूलम्ब चार्ज के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को जाना होगा उतना यहां से गया होगा। हाँ सर। मतलब इसका मास डिक्रीज करेगा, ठीक है। बोल बेटा। यस सर। समझ आ रहा है? छोटा, मैं बड़ी बड़ी चीज पढ़ा नहीं रहा, बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा चीज सिखा रहा हूँ। ये बात समझ आया? वही मैं कहूं कि इस पेन पर चार्ज है माइनस 10 कूलम, अब इसका मास इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। नेगेटिव चार्ज है मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन आया होगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? मैंने ऊपर लिखा था एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस फ्रॉम सम अदर सोर्सेस सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइट हैव ब्रॉट इनटू ऑनटू दिस पर्टिकुलर पेन, इजंट इट? सो व्हाटएवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग डिपॉजिटेड ऑन इट, दे मस्ट बी कैरिंग सम मास अलोंग विथ। तो नेगेटिव चार्ज होने के बाद इसका मास इंक्रीज कर जाएगा। हाँ सर, इंक्रीज होगा। कॉमन सेंस है? बोलो। यस सर।
अच्छा सर, तो एक चीज सीख लिए हम लोग कि चार्ज हमेशा मास के साथ ही आता या जाता है, केवल चार्ज जाता है या केवल चार्ज आता है ऐसा नहीं है। सीख लिए इसको। दूसरी चीज सीख लिए कि चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। तीसरी चीज सीख लिए कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के टर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। यस सर, ये भी सीख लिए। चौथा, जो चौथा पॉइंट है, जैसे कि चार्ज जब मोशन में होता है तो करंट होता है। हाँ सर, बिकॉज चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करेंट, आपने ही बताया मुझे, मैं भी सीख लिया। और इलेक्ट्रिक करेंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हाँ सर, तो इन दोनों बात को मिला दें हम तो ये कह सकते हैं कि मूविंग चार्ज हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। है ना? यस सर। एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप क्यों रुक रहा है? ठीक है, तो ये सब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप कॉपी कीजिए। मैं देखूँ मेरा लैपटॉप क्यों पावर लेना बंद कर दिया। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हैं जो आप समझिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। लिख लिए। सर, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करता है? मूविंग चार्ज से इलेक्ट्रिक करंट होता है, होता है? यस सर। अच्छा, और इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है? यस सर। तो मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यस, फिफ्थ पॉइंट, मतलब चार्ज, अगर बॉडी में चार्ज बताता हूं, होगा
नहीं नहीं मैं बताता हूँ उसका मीनिंग, वो आप अभी नहीं समझेंगे, ये बताता हूँ, दो मिनट रुक जाइए, कॉपी कर लो फिर बताता हूँ। हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि किसी भी बॉडी को चार्ज देंगे तो किसका मास इंक्रीज करेगा, किसका मास डिक्रीज करेगा। अच्छा, उससे पहले ये सिखाना है, हाँ, पॉइंट नंबर 5 सिखाना है ना? Yes, sir. चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, इसका मतलब ये होता है, सब ध्यान से सुनना, मास को लेकर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाद में आइंस्टीन की थ्योरी आई थी। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में था कि रेस्ट मास और मूविंग मास दो अलग अलग चीजें हैं। थोड़ा बहुत तो सुने होगे ना, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला फंडा। यस सर। अच्छा, तो उस फंडा में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता है तब उसका मास, और जब मूव कर रहा होता है तब उसका मास अलग अलग होता है, और जब c के स्पीड से मूव कर रहा होता है तो मास जीरो हो जाता है। ठीक है, सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा कुछ सुने होगे? बोलो ना कुछ तो, हाँ ना बोलो। यस सर। नो, ऐसा नहीं सुना है? आइंस्टीन का इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का नाम सुना है कि नहीं? सुना है सर। सुना है। हाँ सर, इसका मतलब है अगर m मास का स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगा तो पूरा का पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो एक्सट्रीम इवेंट है। बीच का इवेंट ये होता है कि m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। मतलब किसी स्पीड v से चल रहा है तो m नॉट हो गया रेस्ट मास, जो एक्चुअल मास होता है, और ये जो m हो गया ये मूविंग मास हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि मास क्या है, रिलेटिव चीज है। रिलेटिव मतलब अगर रेस्ट में है तो मास की वैल्यू कुछ और होगी, मोशन में है तो मास की वैल्यू कुछ और होगी, एंड इंटायर मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सो मास टर्म इटसेल्फ इज अ रिलेटिव थिंग, इसी को आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मोटा मोटा बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, समझ लो। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, चार्ज 10 कूलम्ब का हो, 5 कूलम्ब का हो, कुछ भी हो, चार्ज वही रहेगा। तो वही लिखा है, इट इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब जो चेंज नहीं होता है। तो चार्ज एट रेस्ट एंड चार्ज एट मोशन की वैल्यू इक्वल है, जबकि मास एट रेस्ट एंड मास इन मोशन की वैल्यू अलग अलग है। तो मास के साथ कंपेयर किया जाए तो मास रिलेटिवली मोशन के साथ चेंज होता है, बट चार्ज नहीं होता है, वही बात लिखा हुआ है यहां पर। क्लियर? यस सर। चमका सबको? यस सर। दूसरी बात, मैंने जो अभी सिखाई थी आप लोगों को कि इसको लिख लिया सबने ऊपर करूं?
यस सर। सेवन पॉइंट एक बार बताओ ना कौन सा बेटा सेवन। हाँ एक्सिलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, मतलब अगर चार्ज थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़े हो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा ऐसा कुछ शायद नहीं। नहीं सर शायद नहीं। नो सर। हाँ ठीक है तो ये अभी आप लोग इसको इसको याद कर लो, इसको याद कर लो इलेक्ट्रो ये जो एक्सिलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं वो यही है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन से मूव करता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो अभी आप ये बात हो सकता है डिटेल में नहीं समझ पाएंगे, तो फॉर टाइम बीइंग मैं आपको कहता हूँ कि इसको याद कर लीजिए। मैक्सवेल की थ्योरी है कि चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें कुछ मतलब समझाने का बहुत ज्यादा है नहीं, जैसे जैसे आगे सिलेबस बढ़ेगा बड़े हो जाओगे तो सीख लोगे कैलकुलेशन वाइज भी कि कैसे क्या होता है। आगे बढ़ूं? हाँ सर। फिर अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने कि अगर किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया तो उसका मास डिक्रीज रिड्यूस होगा। नेगेटिवली चार्ज हो गया तो उसका मास इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, जो कि कॉमन सेंस से लगता है कि चार्जिंग से मास का कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात को भी आपको याद रहे नोटबुक में, इसलिए लिख देता हूं मैं। तो इम्पैक्ट ऑन बॉडी आफ्टर चार्जिंग, तो मैंने तो मास के लिए समझाया था, अब थोड़ा सा इसमें रेडियस के हिसाब से भी देख लो। तो जैसे ये कोई मास है स्फेरिकल समझने के लिए जिसका कि रेडियस आर है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए, तो इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका मास कम हो जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है तो मास इसका बढ़ गया। रेडियस दोनों ही केस में इंक्रीज होगा। रेडियस मतलब स्फेरिकल है इसलिए रेडियस बोल रहे हैं, जनरल टर्म में आप लोग साइज कह सकते हैं। तो आफ्टर चार्जिंग साइज इंक्रीज होता है, ठीक है सर। पर अगर जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वो खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा। भाई साहब अब उल्टा इस बात को समझो, ये तो पढ़ चुके हो ना कि लाइक चार्जेस रिपेल करता है और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है। हाँ सर। है ना? हाँ सर। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया मतलब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा, ऐसे समझो। कैसे समझाऊं इस बात को, अच्छा मैं समझाने का तरीका बता सोचता हूं तो तक आप लिख लीजिए, मतलब समझाऊं कैसे। ऐसे समझो ना, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है ना न्यूक्लियस के चारों ओर, वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक मेंटेन्ड है ऐसा कुछ। हाँ यस। तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो मैनेज किया हुआ था वो अब ज्यादा हो गया ना, तो बाहर वाले चार्ज और दूर जाएंगे। नहीं समझे? यस सर। अच्छा आप लोग कॉपी कीजिए, मैं सोच के बताता हूँ, और बट एक सिंपल वाला कोई इसका एनालॉगी समझ आता है तो मैं बताता हूँ, आप लोग कॉपी कीजिए।
सर क्या आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो रेडियस पहले केस में कैसे बढ़ेगा? बताता हूँ दो मिनट कॉपी कर लो पहले। बताता हूँ कैसे होगा। लिख लिया सबने? यस सर। अब मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ, ध्यान से देखिए सब लोग। थ्योरी मतलब कॉमन सेंस है, वैसे इसको छोड़ दो। मैं आपको एक वन वन सिस्टम का बताता हूँ। ये हो गया आपका न्यूक्लियस मान लो, ठीक है, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन मान लो। एक एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। ये इसको अपनी ओर पुल कर रहा है, ये इसको अपनी ओर पुल कर रहा है, यही कहानी हो रही है ना बेटा? बोलो हाँ या ना सर। ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। और ये कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना तो मालूम है? हाँ सर। तो जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, यहां से कुछ नेगेटिव चार्ज अगर चला गया, तो ये वैल्यू कम हो गई, मतलब इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया। तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया तो सेपरेशन बढ़ गया, समझे? यस सर। यस सर, है ना। ये कब? जब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन गया, तो ऐसे समझ लो इस फोर्स का नाम एफ कर देते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन चला गया, कुछ नेगेटिव चार्ज, मतलब एफ डिक्रीज किया, एफ डिक्रीज किया, अट्रैक्टिव फोर्स मतलब सेपरेशन इंक्रीज किया, ठीक है। पहला वाला समझ आया सर? दूसरा वाला यही कहानी, ऐसे समझो। ये है न्यूक्लियस, इसमें भाई साहब में तो कुछ कर नहीं सकते हम। ये है मान लो, जस्ट समझाने के लिए, इलेक्ट्रॉन। इसमें नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इसमें कहीं से और नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना सर? इसमें कहीं से नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? अब ये नेगेटिव चार्ज जो पहले से था और जो नेगेटिव चार्ज आया, इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। तो इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा तो फिर से प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो पहले केस में सेपरेशन इंक्रीज हुआ बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ। दूसरे केस में सेपरेशन इंक्रीज हुआ क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन इंक्रीज हुआ। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। अब ये तो कहानी पढ़ लिया हमने बॉडी को चार्जिंग वार्जिंग से कैसे, बट चार्जिंग करते कैसे हैं? कोई भी बॉडी पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता कैसे है? थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़े होंगे, रब करते हैं ऐसा वैसा, जो भी है उसको दोबारा देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी ऑब्जेक्ट को या सिस्टम को चार्ज करने का
बहुत सारा मेथड है, ठीक है। उसमें से जो आप लोग थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ते होंगे कि एक दूसरे को वो कंघी वाला एग्जांपल पढ़ते हो ना, यस सर, कि प्लास्टिक के कंघी से बाल ऐसा वैसा करते हैं तो चार्ज हो जाता है ऐसा वैसा, तो वो है आपका पहला मेथड। इसको कहते हैं बाय रबिंग। रबिंग में क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ आप एक दूसरे के ऊपर रब करते हो तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट में से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, सपोज ये वाला पार्ट है मेरा ए, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये है बी, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इन दोनों के सरफेस को अगर हम रब करेंगे, तो मान लो ऐसे रब किया, तो ये रब करने में हीट प्रोड्यूस हुआ, यस सर, थोड़ा बहुत आयोनाइजेशन एनर्जी जैसा कुछ पढ़े होंगे कि नहीं? नहीं पढ़े हो, मान लो ठीक है नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। तो इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को ये हीट के फॉर्म में, हीट तो एनर्जी है, कुछ एनर्जी मिली और वो इलेक्ट्रॉन इसमें से शिफ्ट होकर इसमें चला गया। तो इसमें से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रॉन रबिंग में अगर चला गया तो ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज बच गया और ये नेगेटिवली चार्ज बच गया, तो इस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को रबिंग कहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस सरफेस के पास के, जिस सरफेस के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं या उसको, या उतनी एनर्जी चाहिए जो रबिंग से जनरेट होता है और वो ट्रांसफर हो जाए, उसी कॉम्बिनेशन में ऐसा होगा, बाकी में ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, देयर एग्जिस्ट आई मीन सम सेट ऑफ मटेरियल्स जिसमें इस तरह के रबिंग से भी चार्जिंग किया जा सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड। समझे मेरी बात सर? यस सर। पक्का? तो इसमें क्या है, दोनों को रब करने में के बीच का जो फ्रिक्शन है, जो भी कह लो, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता है। मोस्टली इसको हम लोग नॉन मेटल में ऐसा होता है, बट उतना डिटेल में मैं क्या बताऊं। तो ये हो गया आपका रबिंग मेथड से चार्जिंग। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। बाकी वो सब तो पढ़ चुके हो ना, प्लास्टिक के कॉम से जब पेपर पर चिपकाते हैं तो वो दोनों पेपर चिपक जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सब, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, चिपक जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। ग्लास रॉड, सिल्क, ये सब तो मालूम होगा, तो वो सब अपना स्कूल में पढ़ना, मैं फंडामेंटल चीज सिखाता हूँ कि ये होता कैसे, ठीक है?
बट सर वो जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें मतलब एक बॉडी तो न्यूट्रल रहती है ना, जैसे वो हेयर कॉम, जैसे वो जो कॉम के साथ होता है उसमें पेपर मतलब नॉर्मल न्यूट्रल है ना, हम लोग इसमें कॉम में चार्ज प्रोड्यूस करते हैं ना, हाँ हाँ, तो फिर वो अट्रैक्ट कैसे होते हैं? जैसे मान लो पेपर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होगा और प्लास्टिक जो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। पेपर का वेट हल्का है इसलिए ऐसा पेपर के साथ ही देखा जाता है, बाकी चीजों के साथ नहीं। ओके सर, आगे बढ़ो। सर एक आगे बढ़ूं? Yes, sir. दूसरा है बाय कंडक्शन। कंडक्शन और रबिंग में फर्क क्या है? रबिंग में जैसे दोनों सरफेस को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, कंडक्शन में क्या है, दोनों को जस्ट टच करते हैं। तो दोनों को जस्ट टच करते हैं। अच्छा, कंडक्टर का मतलब क्या होता है मालूम है सर? जो किसी चीज को पास होने देता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि मेटल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा ज्यादा फोर्स के साथ अटैच्ड नहीं है। समझ आ रही है बात? Yes. तो ये जो ऊपर रबिंग वाला कहानी था ये मोस्टली नॉन कंडक्टर में होता है, ये कहानी होती है नॉन कंडक्टर्स में। नॉन कंडक्टर्स का इसका मतलब नहीं कि सारे नॉन कंडक्टर्स में होंगे, कुछ ही नॉन कंडक्टर, बट नॉन कंडक्टर में होते हैं क्योंकि नॉन कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा फ्री नहीं होते। जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन से आयन, वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते हैं, दे आर फ्री टू मूव। तो जब भी कभी हम दो कंडक्टर को एक दूसरे के साथ टच करते हैं जिसमें से एक पहले से चार्ज्ड है और दूसरा अनचार्ज्ड है, जैसे देखो इसमें ये पहला डायग्राम जो दिख रहा है इसमें चारों पॉजिटिव चार्ज है ना? Yes, sir. तो ये जो A है हमारा ये चार्ज्ड है और B में देखो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये अनचार्ज्ड है। तो एक चार्ज और एक अनचार्ज सरफेस को जब एक दूसरे से टच करेंगे तो इसका प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस, ये आपस में मिलके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। Yes, sir. तो इसके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने से क्या हो गया, इस पर भी दो पॉजिटिव बचे, मतलब इस पर भी पॉजिटिव बचा और इस पर भी पॉजिटिव बचा। पहले क्या था, एक के पास पॉजिटिव चार्ज था और दूसरा न्यूट्रल था, कंडक्शन मेथड से क्या हुआ, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो सर जो हम लोग अगर कोई सर्किट के पास दूसरा वायर लाए अगर
तो उससे उसमें भी चार्ज आ जाएगा क्या? सर आप बोलो ना कि दो दो कंडक्टर को टच करे अगर तो चार्ज हो जाएगा, मतलब एक कंडक्टर चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है। हाँ तो हम एक एक सर्किट जो है तो वो चार्ज का ट्रांसफर दोनों कंडक्टर में हो जाएगा, इसको हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। अब बोलो सर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम सर्किट है जिसमें वायर कंडक्टर होते हैं और उसको हम सर्किट पूरा स्विच ऑन रखे उसका, कंडक्टर होने से नहीं होगा, चार्ज्ड कंडक्टर होना चाहिए सर। चार्ज जो ए है वो चार्ज कंडक्टर है और जो बी है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टर है। सर अगर हम लोग बैटरी डाल दे उसका सर्किट में तो चार्ज हो जाएगा ना? पर बैटरी से चार्ज नहीं होता बेटा, ये सब गलत कॉन्सेप्ट पढ़ लियो। बैटरी से कोई चीज चार्ज नहीं होता, ये सब मतलब आम बोलचाल में हम लोग ऐसा बोलते हैं, बैटरी से कोई चीज चार्ज नहीं होता। पढ़ेंगे धीरे धीरे, सब पढ़ाऊंगा, घबराओ मत, फंडामेंटल चीज सीखो। बैटरी से कोई चीज चार्ज नहीं होती, ठीक है? तो कंडक्शन में क्या होता है, दो कंडक्टर, वन चार्ज और दूसरा अनचार्ज, इन दोनों को जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों हमारा चार्ज हो जाता है। इस फेनोमेना को हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं, है ना? ध्यान से समझो दोनों में फर्क क्या है। इससे पहले रबिंग वाले में क्या था कि एक पॉजिटिवली चार्ज होता था तो एक नेगेटिवली चार्ज होता था, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों पर आइडेंटिकल चार्ज होगा। आइडेंटिकल मीन्स आइडेंटिकल टाइप ऑफ चार्ज। फिर ये रिपेल करेंगे ना, अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे। हाँ, उसके बाद ये रिपेल करेंगे। और किसमें चार्ज कितना होगा, प्रोपोर्शन टू साइज नहीं कुछ होता है, बट तो ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये जब 11 12th में आएंगे तो मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि किस पर कितना चार्ज होगा। अभी सिर्फ ये समझते हैं कि दोनों पर सेम चार्ज, सिमिलर चार्ज होता है, मतलब ये दोनों पर पॉजिटिव या दोनों पर नेगेटिव। क्लियर है? इसका आप कोई एग्जांपल दे सकते हो, मतलब ऊपर वाले केस में जैसे वो कोम वाला था ना, इसमें कोई है? इसका एग्जांपल है बट आपने पढ़ा नहीं होगा, कैपेसिटर जब चार्ज होता है ये सब चीजें पढ़े नहीं हो, बट ऐसा होता है, समझ लीजिए। इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है कैपेसिटर या कंडेंसर जो फैन में देखते हो। फैन में देखा है उजला रंग का सिलिंड्रिकल एक ऐसा रहता है? यस सर। वो इसी का एग्जांपल है, बट वो अभी मैं बोलूंगा समझोगे नहीं, इसलिए अभी सिर्फ समझ लो कि ऐसा होता है, जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा। कॉपी कर लिए? क्या बोल रहे हैं? Yes, sir, done. हो गया सबका?
फिर थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग होता है जिसको बोलते हैं बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है विदाउट टचिंग। सर ये फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन से रिलेटेड है ना? नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, वो अलग चीज है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है बेटा, वो अलग चीज है, है ना? देखो इसमें क्या होता है कि अगर एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो जो दूसरा अनचार्ज बॉडी है वो अपोजिटली चार्ज हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है जरा सा समझिएगा इस बात को। सपोज कोई भी एक रैंडम सा डायग्राम बना लो किसी भी से, फिर मैं ऐसे ही बना दूं। ये कोई ऑब्जेक्ट है किसी भी शेप साइज का, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब अगर हम इसके नजदीक, टच करने की जरूरत नहीं है, किसी भी शेप का रैंडम शेप लो, इसके नजदीक कोई भी हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लाए, ये ऑब्जेक्ट क्या था? पॉजिटिवली चार्ज है। अब एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लाए और अगर ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर में होता है, नॉन कंडक्टर में नहीं, तो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजी टू मूव होते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सब इसके नजदीक आने की कोशिश करेंगे, है ना? इस सरफेस के नजदीक आने की कोशिश करेंगे। तो इस सरफेस पर यहां देखोगे तो पार्टली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इसको कंडक्टर होना चाहिए, मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजी टू मूव होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, है ना? तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटर मोस्ट, बाहर नहीं निकलेंगे, आउटर मोस्ट सरफेस पर आ जाएंगे। ध्यान से सुनना सब। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, तो ये सब यहां से आके इसके ऊपर वाले सरफेस पर आ जाएंगे ना? तो इसका जो बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, ऊपर वाले सरफेस पर आ जाएंगे। तो इसका ऊपर वाला सरफेस को हम लोग कह सकते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। पूरे बॉडी को नहीं कहेंगे, पूरे बॉडी के लिए फिर मुझे अर्थिंग करके पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालना होगा, वो एक अलग कहानी है। बट ये वाला सरफेस, ये बॉडी जो पहले दो सरफेस का था ऊपर और नीचे, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, दोनों सरफेस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। इसके ऊपर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ला दिया तो इसमें के मोबाइल इलेक्ट्रॉन सब इसके अपर सरफेस पर आ गए। तो इसके अपर सरफेस पर आ गए तो हम ये तो कह सकते हैं कि इसका अपर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो गया। हाँ सर। और इसका लोअर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यस सर। तो ये जो मेथड ऑफ चार्जिंग है इसको बाय इंडक्शन कहते हैं। इसमें कोई फिजिकल कनेक्ट टच होने की जरूरत नहीं है, है ना? इसमें पार्शियली अट्रैक्शन होगा ना? हाँ, पार्टली अट्रैक्शन होगा। सर एक डाउट था। बोलो। सर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है पर मतलब उसके बाद में भी वो न्यूट्रल ही रहेगा ना पूरा?
हाँ ऑब्जेक्ट न्यूट्रल नहीं रहेगा, और उसमें भी क्या करते हैं न्यूट्रल नहीं रखने के लिए उसको ग्राउंडेड अर्थिंग कर देते हैं, तो उस पर जो रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज बच गया वो ग्राउंड में चला गया, तो अब ये प्योरली नेगेटिव चार्ज हो गया। हाँ सर समझ गया, आई बात समझ में? हाँ सर समझ गया। तो पूरा प्रोसेस समझने के लिए कि अगर सरफेस चार्ज हो गया ये तो समझ में आ गया, और एक्चुअल में चार्जिंग कैसे होती है उसके लिए क्या है कि इसमें दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को ग्राउंडेड करना पड़ता है, तो जो रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज बच गया वो अर्थ में चला जाता है, तो फाइनली वो चार्ज हो जाता है। जैसे अर्थिंग सिखाया नहीं था इसलिए मैं आपको पहले नहीं बता रहा था, पहले केवल सरफेस। जैसे इसमें देखिए, देखिए ध्यान से, ये न्यूट्रल है, ए न्यूट्रल दिख रहा है। सर इसी ए के पास एक नेगेटिव चार्ज का सीट लाया, तो अब ये ए चेंज होकर बी बन गया। कोई चेंज हुआ नहीं, अभी भी बी न्यूट्रल नहीं है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, फर्क कितना है, पॉजिटिव इस साइड आ गया है और नेगेटिव इस साइड आ गया है ना? यस सर। अब जब इसको ग्राउंडेड कर दिया तो ये जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज है वो ग्राउंड में चला गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया, तो आफ्टर ग्राउंडिंग ये बन गया सी। आई बात समझ में सर? पहले ए था, जब बगल में नेगेटिव सीट लाए तो बी बन गया, और बी को अर्थिंग कर दिए तो बी फिर सी बन गया, तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली हुआ कि एक नेगेटिव चार्ज के नेबरहुड में अगर हम एक मेटल बॉडी लाए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग को इंडक्शन कहते हैं। क्लियर है? अब इस नेगेटिव जो चार्ज है हमारे जो सीट दिख रहा है इसको हटा दिए, इसको जब हटा दिया यहां से नेबरहुड से, तो अब ये केवल पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो पहले न्यूट्रल था और फाइनली पॉजिटिवली चार्ज हो गया है ना? यस सर। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ सीट, तो न्यूट्रल से स्टार्ट किया था कहानी, और पॉजिटिवली चार्ज होके खत्म हो गया। इस प्रोसेस में मेटल सीट और इस ऑब्जेक्ट का कहीं कोई फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं हुआ, तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। ये जो ग्लोब जैसा स्फीयर दिखता है ये न्यूट्रल था पहले, और इस प्रोसेस ए बी सी डी ई को रिपीट करने के बाद फाइनली पॉजिटिवली चार्ज हो गया, कहीं से कोई चार्ज लाने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल उसके नेबरहुड में मुझे एक नेगेटिव चार्ज रखना पड़ा। हाँ सर। इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। कॉपी कर लीजिए। सर एक डाउट है। बोलो। सर ये मेथड के अंदर नेगेटिव चार्ज को ग्राउंड में कैसे डालते हैं? वो अर्थिंग किया हुआ दिख रहा है। हाँ सर। हाँ तो किसी भी कंडक्टर की अर्थिंग करते हैं ना, तो उसका पोटेंशियल जीरो करने के लिए अगर कुछ चार्ज लेने की जरूरत है तो अर्थ सप्लाई करता है, कुछ चार्ज देने की वापस लेने की जरूरत है तो अर्थ वापस मिल लेता है। तो अर्थिंग एक अलग चैप्टर ही है, पढ़ लेंगे वो भी। अर्थ इज अ सोर्स ऑफ इनफाइनाइट चार्जेस, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इट कैन सप्लाई चार्जेस टू कंडक्टर इन ऑर्डर टू मेक इट पोटेंशियल जीरो।
सर अपना नीचे क्या लिखा है जो एरो करने के बाद नीचे लिखा है ना आफ्टर ग्राउंडिंग और उसके बाद लिखा है आफ्टर रिमूवल ऑफ शीट हो गया लिख लिया सबने सर यस सर ठीक है चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो फिर देखते हैं चलो यही छोटा सा अभी जितना सिखाया उतने के बेसिस पर एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए दिख रहा है क्वेश्चन yes, सर सर जो इंडक्शन था वो भी कंडक्टर्स में ही होता है ना बस कंडक्टर्स में ही होता है हाँ सर सर जो नीचे डी और पी है वो क्या है कुछ नहीं है वो
जस्ट रखा हुआ है उसको डीपी अलग मत समझो, एक ही है समझो उसको, आई मीन ग्राउंड पे फिक्स रखने के लिए समझ लो सपोर्ट है वो और कुछ नहीं। देखो पॉजिटिव चार्ज को सुनो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज को बोला है कि ए बी रॉड के एंड के पास लाया गया, कांटेक्ट तो नहीं हुआ है नो नहीं हुआ, तो इसका मतलब है फर्स्ट टू तो होगा नहीं। अब पास लाया गया है तो ए बी में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, यस सर, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, यस, तो चार्ज डेवलप्ड एट ए ये तो हो गया नेगेटिव, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, व्हाई नो, तो बिकॉज ऑफ इंडक्शन, है ना। अभी हम बी से आगे बढ़े नहीं, ए बी कंडक्टर है लिखा हुआ है और ये जो सी है यह है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का क्या मतलब है, बोलो, बोलो बेटा, अच्छा छोड़ो, मान लो ये सी नहीं होता केवल बी होता तो बी को पॉजिटिव चार्ज कहते, यस सर, हाँ सर। अब ये जो सी है आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब है, उस नाम है जस्ट इंस्ट्रूमेंट का, ये क्या करता है चार्ज को ट्रांसफर करेगा, मतलब बी के पास बी एंड बी पर जो ये एडिशनल पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इसको कंपनसेट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देने की वजह से फाइनली ये मेरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। अब ये सी इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा, तो, हाँ ये जो इसका एंड डी है वहां से देगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है और ये जाने के बाद इसको न्यूट्रल बनाया है, तो फाइनली डी पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो आंसर में क्या होगा, एंड ए नेगेटिव, बी एंड सी न्यूट्रल और डी पॉजिटिवली चार्ज, ये कहानी हो जाएगी। हाउ इज गोल्ड लीफ अफेक्टेड, अच्छा फोर्थ पार्ट बाद में आते हैं, तो हाउ इज गोल्ड लीफ अफेक्टेड मतलब, तो गोल्ड लीफ का हुआ क्या, अच्छा कैसे समझाऊं, अफेक्टेड का मतलब होता है कि मैकेनिकली क्या होगा, तो ये जो आपका प्लेट पी है ना, गोल्ड लीफ एक्चुअली परे नहीं हो, तो ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है ना, तो जो पॉइंट डी है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जहां पी लिखा होता है ना वो पी हुआ पॉजिटिव चार्ज, वो भी पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव दोनों रिपेल करेंगे, तो इसको हम लोग आई मीन फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं दे विल डाइवर्ज। तो ठीक है ये अभी आप उतना मत समझो, पी लिखा हुआ है मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, तो लीफ का मतलब है ना ये यहाँ इस तरह के फॉर्म में होता है, ये पी और ये फ्री एंड डी है, तो जैसे ही मेरा फ्री एंड पॉजिटिव हो गया तो अब क्या होगा, ये दोनों डाइवर्ज हो जाएंगे ऐसे, तो हाउ गोल्ड लीफ अफेक्टेड मीन्स इट विल डाइवर्ज, दे नहीं एक ही लीफ है ना, तो इट होगा, तो ये हो जाएगा इट विल डाइवर्ज।
स्कूल के बुक में ये पढ़े हो क्या तुम लोग, वोल्फ इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम वगैरह ऐसा कुछ? यस पहले पढ़ा था, मतलब पढ़ा है। हाँ तो एक बार स्कूल की बुक में देखना तो और ज्यादा समझ में आएगा। सर और अगर डी पे नेगेटिव होगा तो वो दोनों पास में आ जाएंगे ना? हाँ। अब कह रहा है इफ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज टेकन अवे, मतलब ये वाला रॉड चला गया तो ये रॉड जैसे ही गया ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाएगा, है ना? Yes, तो ये सारा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। तो सारा प्रोसेस उल्टा होने के बाद अब ये जो हमारा एंड डी है इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और पी ऐसे ही रहेगा, तो अब ये लीफ अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा को इसको बोलते हैं कि लीफ विल कोलैप्स, मतलब ये लीफ का दोनों सरफेस एक दूसरे में चिपक जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया। आया समझ में? तो एज अ थ्योरी मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा एक बार आप बुक में जाके अपने टेंथ के बुक में थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्कोप देख लेना क्या होता है कैसा होता है, तो थोड़ा और समझने में आसानी होगा। चार्ज डिटेक्शन के लिए इसको यूज करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं। ठीक है सर, के लिए इतना ही। हाँ बोलो। एक बार थर्ड वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? हाउ इज गोल्ड लीफ अफेक्टेड? तो गोल्ड लीफ का जो एंड डी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ऐसे ही समझ लो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में जब एंड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है तो लीफ डाइवर्ज करता है, जब नेगेटिवली चार्ज होता है तो लीफ कोलैप्स करता है। ठीक है सर। पी हमारा पी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, इसीलिए उस एंड का नाम पी रहता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।